गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, टुडे इज़ अवर ईवीएस लेक्चर एंड बिफोर दिस वी हैव टू स्टार्ट अवर चैप्टर नंबर 23 होम एंड अब्रोड. वी हैव फिनिश अवर हाफ ऑफ चैप्टर इन द लास्ट वीडियो. हम लोगों ने लास्ट वीडियो में चैप्टर 23 स्टार्ट कर दिया था होम एंड अब्रोड और आधा चैप्टर हमने फिनिश कर दिया. आज हम लोग ये उसका हाफ रिमेनिंग चैप्टर फिनिश करेंगे. हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में देखा था कि कैसे अरविंद अंकल और उसकी फैमिली अब्रॉड में सेटल हुई थी, जॉब करने गई थी ना आबू धाबी से. वो एयरपोर्ट से उसके किसके झील के पापा लेकर आए, झील और झील के पापा उसके अपने घर लेके आए. तब वो रास्ते में उनके बच्चे, क्या नाम था उनका, पल और हैंसी, दोनों बातें करते हैं. तो वो दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं कि क्या क्या वहाँ पर है. आबू धाबी में पूरे रेजर्ट डेजर्ट ही डेजर्ट है, सब जगह वाइट वाइट रेती रेती देखने को मिलती है. और वहाँ पर इतनी गर्मी होती है कि वहाँ पर एक खाली कैक्टस का और डेड पाम खजूर का ही झाड़ उगता है. वहाँ पर ग्रीनरी तो देखने को भी मिलती नहीं है. तो और यहाँ पर जब वो आते हैं तब यहाँ पर उनके घर के बाहर नीता आंटी और वो सब आते हैं, अरविंद अंकल. तो हैंसी और पल को बाहर पूरी ग्रीनरी ग्रीनरी और अलग अलग झाड़, कोकोनट के, बनाना के, जैक फ्रूट, पपैया, बैटल नट, सुपारी का झाड़, ये सब झाड़ और ग्रीनरी देखने को मिलती है. देन वी हैव टू स्टार्ट अवर पेज नंबर 174, नाइस गिफ्ट्स एंड फोटोग्राफ. आफ्टर दे हैड मेट एवरी वन, नीता आंटी अनपैक्ड देयर बैग्स. तो यहाँ पर अनपैक करना यानी जब वो घर पर आ जाते हैं, सबसे मिल लेते हैं, एक दूसरे से बातें हो जाती है, फिर नीता आंटी अपने बैग खोलने लगती है. अनपैक करना यानी खोलकर सारा सामान बाहर निकालना, उसे अनपैक्ड बोला जाता है. फिर दे हैड ब्रॉट गिफ्ट्स फॉर एवरीवन, सबके लिए वो क्या लेके आए थे, गिफ्ट्स लेके आए थे. आबू धाबी से वहाँ से आए थे, वहाँ से सबके लिए वो लोग गिफ्ट्स लेकर आए थे, झील के लिए, झील की मम्मा के लिए, झील के पापा के लिए, सबके लिए वहाँ से वो गिफ्ट ले. दे गेव डेट्स फॉर एवरी वन टू ईट, डेट्स यानी खजूर, सबको उन्होंने खजूर भी दिए. आबू डबू के खजूर बहुत ही स्वीट्स थे और स्वीट थे वो, उन्होंने सबको खाने के लिए दिए. द डेट्स वेयर वेरी स्वीट एंड टेस्टी, मैंने जो अभी आपको बताया कि वो बहुत ही स्वीट और टेस्टी थे, तो सबने वो डेट्स एंजॉय करके खाए. पल शोड झील सम करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स, पल झील को बताती है वहाँ के आबू डबू की नोट्स करेंसीज के, कैसे वहाँ के रुपए होते हैं, कैसी वहाँ करेंसीज चलती है, और हमारे इंडिया के नोट्स अलग होते हैं और वहाँ की करेंसीज अलग होती है. हैंसी एक्सप्लेन दैट द मनी दे यूज्ड इन आबू धाबी इज कॉल्ड दिरहम, तो उसको दिरहम बोलते हैं कि आबू धाबी में पैसों को हम यहाँ पे रुपीस बोलते हैं, वहाँ पे दिरहम बोलते हैं. इट हैड सम राइटिंग इन देयर लोकल अरेबिक लैंग्वेज, उसके ऊपर कुछ लोकल अरेबिक लैंग्वेज में लिखा होता है, जैसे इंडिया में हमारे इंडिया की नोट्स पर लिखा होता है. आगे मैं आपको वो नोट्स बताऊंगी और उस नोट्स पर अलग अलग लैंग्वेजेस लिखी हुई है, अलग अलग नंबर्स लिखे हुए हैं, वो सब बताएंगे. और आबू धाबी के नोट में भी अलग आबू अरेबिक लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ होता है. दे ऑल्सो शोड मैनी फोटोग्राफ्स ऑफ द प्लेस वेयर दे लिव्ड, और आबू धाबी के वहाँ के फोटोग्राफ दिखाए, उनके घर के फोटोग्राफ दिखाए, आजू बाजू के डेजर्ट्स के फोटोग्राफ उन्होंने बताए कि वहाँ पर कैसा कैसा सब कुछ दिखाई देता है. अरविंद अंकल गेव झील अ ग्लोब, अरविंद अंकल ने झील को ग्लोब दिया. ये है मॉडल यानी ये ग्लोब है, मॉडल ऑफ द अर्थ होता है ना, उसको ग्लोब बोला जाता है. इसे मॉडल भी बोला जाता है और ग्लोब भी बोलते हैं, क्योंकि ये एक प्लास्टिक्स का बना हुआ होता है, इसे आप घुमाओगे तो आपको सारे सिटीज़ और कंट्रीज हमें देखने मिलेंगे. वर्ल्ड का मैप हो, वर्ल्ड का ग्लोब होगा तो खाली वर्ल्ड के बड़े बड़े, जैसे इंडिया दिखाई देगा, फिर ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, बड़े बड़े कंट्रीज ही आपको उसमें दिखाई देगा. इंडिया के भी अंदर का, जैसे कि गुजरात है और महाराष्ट्र है, कर्नाटका है, कोलकाता है, वो आपको दिखाई नहीं देगा. ही सैड झील, वाई डोंट यू फाइंड आबू धाबी ऑन दिस ग्लोब,
तो वो बोलते हैं कि जिल तुम इस पर ग्लोब को घुमाओ और आबू धाबी फाइंड करो कि आबू धाबी कहाँ पर है ये ग्लोब पर, एंड वेयर इज गुजरात। यहाँ पर इंडिया का पूरा मैप भी दिखाई दे रहा है, तो गुजरात वगैरह भी स्टेट्स आपको दिखाई देंगे। टोटल 29 स्टेट्स है, वो भी आपको यहाँ पर दिखाई देंगे कि गुजरात और आबू धाबी में कितना डिस्टेंस आपको दिखाई देगा। द चिल्ड्रन एंजॉयड प्लेइंग विद द ग्लोब एंड लुकिंग फॉर डिफरेंट प्लेसेस ऑन द ग्लोब। तो वो लोग एंजॉय करते हैं हर एक चीज़ को, वो ग्लोब को घुमा घुमा कर अलग अलग कंट्रीज देखते हैं कि कहाँ पर कौन कौन सी कंट्रीज लोकेटेड है, कहाँ पर क्या क्या दिखाई दे रहा है, कहाँ पर आबू धाबी है, कहाँ पर गुजरात है। वर्ल्ड का है पर उसमें इंडिया के सारे स्टेट्स भी दिखाई देते हैं, और वो लोग बार बार घुमा घुमा कर वो झील और हैंसी पल और झील के सारे फ्रेंड्स भी वहाँ पर उनके साथ आकर ये सब ग्लोब पर देखते और एंजॉय करते हैं। झील फाउंड दिल्ली एंड जूनागढ़ ऑल्सो। झील जूनागढ़ और दिल्ली जो ट्रिप में गई थी उसे याद था ना, वो भी उसे उस ग्लोब में देखने को मिलता है कि वो प्लेस भी उसमें दिखाई देती है। इन द इवनिंग एवरीवन सैट इन द वरंडा एंजॉय द ब्रिज एंड लुकिंग एट द फोटोग्राफ्स। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि शाम की टाइम हो चुकी थी, वो लोग सब लोग बैठकर एक वरंडा में यानी खुले बाहर के जो आपके गार्डन जैसा पैसेज होता है ना, जो घर के बाहर होता है खुला खुला सा, वहाँ पर वो लोग सब लोग बैठे हुए थे और सब लोग ठंडी ठंडी हवा फील कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, मज़े ले रहे थे भाई, क्योंकि वहाँ पर तो आबू धाबी में तो गर्मी ही गर्मी होती है, वहाँ पर तो ठंडी हवा उन्हें मिलती ही नहीं है। और सब लोग वहाँ के फोटोग्राफ भी देख रहे थे। दे सो दैट इन आबू धाबी द बिल्डिंग्स वेर टॉल विथ मैनी स्टोरे एंड बिग ग्लास विंडोज। अब वहाँ पर क्या है कि आबू धाबी में बहुत बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंग है और इमारतें हैं, ये देखो यहाँ पर आबू धाबी का बताया है शायद से, और यहाँ पर दिखाई देगा कि कितनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स होती है वहाँ पर, और सब लोग वहाँ पर आबू धाबी में इतनी बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंगों में रहते भी है, और साथ में वहाँ पर बड़े बड़े कांच के विंडोज है, ग्लासेस लगी हुई है कांच के, कांच के विंडोज़ खिड़कियाँ में सब कांच ही कांच लगे हुए हैं। अरविंद अंकल सेड वी कैन नॉट ओपन द विंडोज बिकॉज ऑफ द हीट। तो अरविंद अंकल बोलते हैं कि भाई हम लोग पूरे दिन खिड़कियाँ भी नहीं खोलते, विंडोज़ भी हम ओपन नहीं करते क्योंकि वहाँ पर गर्मी ही इतनी है, तो जैसे ही हम अगर विंडो खोलते हैं तो गर्म गर्म हवा ही हमें अंदर आती है। इट इज़ एयर कंडीशन इनसाइड ऑल हाउसेस एज द वेदर इज़ वेरी हॉट, पीपल वेयर लूज कॉटन क्लोथ्स। तो अब यहाँ पर क्या बताया कि वहाँ पर हर घर में एसी लगे हुए हैं क्योंकि वहाँ का इतना क्लाइमेट हॉट है कि कोई भी एसी के बिना तो वहाँ पर रह ही नहीं सकता, और वहाँ पर लोग ढीले ढीले लूज लूज कपड़े पहनते हैं, कॉटन के ही कपड़े होते हैं क्योंकि इतनी गर्मी में वो ऐसे टाइट फिटिंग कपड़े तो उन्हें सूट भी नहीं करेंगे, और कॉटन के कपड़े रहेंगे तो वो फ्रीली आराम से घूम सकेंगे। एंड कीप देम फुल्ली कवर्ड इवन द हेड इज ऑल्सो कवर्ड। यहाँ पे देखो उन्होंने हेड को भी कवर्ड किया हुआ है, और पूरा हाथ शर्ट पूरे गले तक शर्ट नेक तक है और पूरा कवर किया हुआ है क्योंकि इतनी गर्मी होता है कि सर भी तप जाता है, तो सर को भी वो बचाने के लिए सर को भी कवर इस तरह से रखते हैं, सर वो खुला नहीं रखते। दिस प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग हीट ऑफ सन। ये क्यों करते हैं, क्योंकि वो गर्मी से बच सके, क्योंकि आबू धाबी में बहुत गर्म हवा होती है और गर्मी भी बहुत ज़्यादा होती है। जिल एंजॉय लुकिंग एट द पिक्चर्स एंड फाइंडिंग आउट अबाउट द अदर कंट्रीज फ्रॉम हर कजिन्स। तो जिल को ये सब कुछ देखकर बहुत अच्छा लगा, उसने सारे पिक्चर्स बहुत ध्यान से देखे और वो अपने सिस्टर से हैंसिल से और पल से और आसपास के कंट्रीज़ के बारे में पूछती है उनके कज़िन सिस्टर से, क्योंकि वो उनके अंकल की लड़कियाँ है तो वो उसकी कज़िन्स हो गई, तो कज़िन से पूछती है कि आजू बाजू में कंट्रीज़ कौन सी है, कैसे हैं वहाँ पर लोग, क्या रहते हैं, क्या पहनते हैं, कैसे दिखते हैं, सब उनके बारे में वो पूछती है। सी कॉन्स्टेंटली कैप्ट कंपेयरिंग हर सिटी विद द थिंग्स दैट दे हैड डिस्क्राइब अबाउट आबू धाबी।
तो झील हमेशा कंपेयरिंग करती है कि हमारे नोट तो ऐसे हैं, आपके नोट तो ऐसे दिखते हैं, हमारे यहाँ लोग तो कोई सर पर ढकता नहीं है, सब ऐसे ही खुले घूमते हैं, इतनी गर्मी भी नहीं होती है। गर्मी है गुजरात में पर आबू धाबी से कम है, तो वो कंपेयरिंग करते रहते हैं हर एक चीज़ को। शी डिसाइडेड दैट शी वुड मेक अ प्रोजेक्ट रिपोर्ट अबाउट आबू धाबी फॉर हर क्लास। अब वो एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बताने वाली है कि वहाँ का क्लाइमेट और हमारे इंडिया का क्लाइमेट में कितना फ़र्क है, कितना चलता है, वहाँ के ट्रीज और प्लांट्स के बारे में ये सब वो डिस्कस एंड राइट है यहाँ पे बताएं। यू कैन ऑल्सो मेक अ स्मॉल कंपेयरिंग आबू धाबी विद द प्लेस वेयर यू लिव। यू कैन सम ऑफ द पॉइंट्स मेंशन बिलो राइटिंग द रिपोर्ट एंड ड्रॉ द पिक्चर्स एंड फोटोग्राफ। वहाँ का क्लाइमेट और अपने यहाँ का क्लाइमेट, क्लोथिंग ऑफ पीपल, ट्रीज एंड प्लांट, डिफरेंट काइंड्स ऑफ बिल्डिंग, ट्रैफिक ऑन द रोड, कॉमन फूड आइटम, लैंग्वेज, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर उसमें मेंशन करनी है कि हमारे यहाँ क्लाइमेट थोड़ा कम हॉट होता है, वहाँ पर ज़्यादा है, हमारे यहाँ पर सारे ट्रीज देखने को मिलते हैं, वहाँ पर खाली डेट पाम और कैक्टस ही देखने को मिलता है, वहाँ के कपड़े पूरे कॉटन के लूज पहनते हैं और इवन उनका सर हेड वो भी कपड़े से कवर होता है। हमारे यहाँ पर हम लोग लूज कपड़े तो पहनते हैं, वो भी खाली ओनली समर में, विंटर में हम वार्म क्लोथ्स पहनते हैं। वहाँ पर बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची इमारतें हैं, यहाँ पर तो हमारे यहाँ अलग अलग टेनामेंट्स, बंगलोस, रो हाउस, फिर फ्लैट्स, बिल्डिंग्स सब होती है। ट्रैफिक हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा होता है और आबू धाबी में इतना ट्रैफिक आपको देखने नहीं मिलोगे। वहाँ पर खाली एक अरेबिक लैंग्वेज चलती है और हमारे यहाँ तो हिंदी, गुजराती, मराठी, अलग अलग स्टेट और अलग अलग लैंग्वेज चलती है। कॉमन फूड आइटम अलग अलग स्टेट वाइज, हमारे यहाँ खाना भी अलग अलग होता है, गुजराती का उंधियू, कचरियू, फाफड़ा, जलेबी, ये सब फेवरेट है। राजस्थान में दाल बाटी चूरमा फेमस है, महाराष्ट्र में पोहा, देन पूरन पोड़ी और ये सारी दाल बटाटा वड़ा, ये सब कुछ फेमस है। तो यहाँ के और वहाँ के खाने का हम सब कुछ अलग से डिफरेंटली डिस्क्राइब करना है, एक रिपोर्ट बना, पर हम अभी ये नोट में लिखेंगे नहीं। व्हाई डू यू थिंक लेस ट्रीज ग्रोज इन डेजर्ट? डेजर्ट में कम ट्रीज क्यों है और वहाँ पर ट्रीज भी कम होते हैं? बिकॉज ऑफ स्कार्सिटी ऑफ वाटर, क्योंकि वहाँ पर पानी की कमी है, बरसात भी होती नहीं है, इसलिए वहाँ पर ज़्यादा ट्रीज उगते नहीं है, ग्रोज होते नहीं है। डू यू हैव एनी रिलेटिव हु लिव इन अदर कंट्री? इफ यस वेयर? आपका कोई रिलेटिव आपके कोई रिलेशन में या कोई आपके आसपास से कोई बाहर गांव रहता है, बाहर इंडिया के भी बाहर, तो कहाँ रहता है? यस, वन ऑफ माय अंकल्स लिव्स इन यूके, यूके यूनाइटेड किंगडम, यहाँ पर रहते हैं मेरे एक अंकल, मैंने यहाँ पर आपको बताया। आप लोग इसकी जगह अपना कोई रिलेटिव्स कहीं दूसरी जगह रहता है तो वो भी बता सकते हो। हाउ लॉन्ग डिड दे लिव देयर? वो वहाँ पर कहाँ कब से है? He has been living there for 10 years. वो 10 साल से वहाँ पर रह रहे हैं। Did you go there for studies or for work? वो वहाँ पर studies करने गए थे कि सीधा काम करने? Initially he went there for studies. वो studies करने गए थे। After study he is doing a job there. And was there any other reason? तो वो वहाँ पर studies करने गए, studies पूरी हो गई, फिर वहाँ पर उनको अच्छी job offer मिल गई, तो उन्होंने वहीं पर जॉब स्टार्ट कर दी। लुक एट द करेंसीज एंड नोट एंड राइट द वैल्यू ऑफ ईच नोट। ये 5 रुपीज का नोट है इसलिए 5 रुपीज नोट हमने यहाँ पे लिखा है। देन ये 10 रुपीज का नोट है, ये तो हमको पता है, हमारे इंडियन नोट्स है। ये 100 रुपीज का नोट है और ये 500 रुपीज का नोट है, ये हमें पता है, तो हम लोग ये उस बॉक्स में राइट अप कर देंगे। To which country does this currency belong? How did you know? This current notes belong to India because Reserve Bank of India is written on the note. यहाँ पे reserve लिखा है, cut हो गया है। ये देखो मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो भारतीय रिजर्व बैंक, तो भारतीय रिजर्व बैंक यानि इंडिया रिजर्व बैंक है, तो ये हमारे इंडिया की है, इसके ऊपर से लिखा, ऊपर से हमें पता चल जाते हैं कि ये इंडिया की नोट्स है, इंडियन नोट्स है। हुज पिक्चर कैन यू सी ऑन द नोट्स? आपको किसका पिक्चर दिखाई दे रहा है? यस महात्मा गांधी का। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि हमारे को किसका पिक्चर दिखाई दे रहा है, महात्मा गांधी। टेक अ 10 रुपी नोट एंड ऑब्जर्व इट केयरफुली। हाउ मैनी लैंग्वेजेस कैन यू सी ऑन द नोट?
आप लोग ये नोट ले लो और उसके ऊपर आपको कितने लैंग्वेजेस दिखाई देंगे। अब यहाँ पर आपको नोट्स पर, यहाँ पर आगे नहीं, आप इस नोट को टर्न करना तो यहाँ पर आपको बीच में ही, यहाँ पर आपको बीच में 15 लैंग्वेजेस अलग अलग लिखी, हिंदी, मराठी, गुजराती, तमिल, कन्नड़, पंजाबी, सिंधी, उर्दू, ये सारी मोस्ट ऑफ 15 लैंग्वेजेस है जो आपको यहाँ पर पीछे नोट पर दिखाई देगी। आप देखना, मैंने इसलिए यहाँ पे लिखा है 15 लैंग्वेजेस। राइट द नेम ऑफ द बैंक गिवन ऑन द नोट। हमने देखा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उस नोट पर बैंक का नाम लिखा हुआ है। यहाँ ऑब्जर्व द कॉइन्स एंड मैच द अकॉर्डिंग टू देयर हेड एंड टेल। अब यहाँ पर ये 50s का 50 पैसे का कॉइन है, ये उसका पीछे का भाग है। देन ये 2 rupees का, ये 2 rupees का बैक कॉइन है, ये 5 rupees का बैक कॉइन है, ये 1 rupees का बैक कॉइन है, ये 10 rupees है जिसका फ्रंट और बैक कुछ भी हमारे पास नहीं है। तो हमने लिखा है विच कॉइन रिमेन विदाउट मैच, कौन सा कॉइन हमारा मैच नहीं हुआ। रुपीज 10 कॉइन रिमेन विदाउट मैच, 10 का कॉइन हमारा किसी के साथ मैच नहीं हुआ। हाउ मैनी ऑफ दिस कॉइन्स डू यू रिकोगनाइज, आप ये आई कैन रिकोगनाइज ऑल द कॉइन्स, हमको सारे कॉइन्स पता है कि कौन सा 10 का है, कौन सा 5 का है, कौन सा 2 rupees है, कौन सा 5 rupees है, हम ये सारे कॉइन्स ईजिली रिकोगनाइज कर लेते हैं। वॉट इज रिटर्न ऑन ईच कॉइन अदर देन द वैल्यू, वैल्यू के अलावा यहाँ इसके ऊपर क्या लिखा हुआ, इंडिया, इंडिया इज रिटर्न ऑन ईच कॉइन अदर देन द वैल्यू, इंडिया लिखा हुआ है, भारत। लुक एट दीज नोट्स, डू दे ऑल बिलोंग टू इंडिया, पुट अ सर्कल अराउंड नोट्स दैट आर नॉट इंडियन, फाइंड आउट विच कंट्री डू दे बिलोंग टू। इंडिया की जो नोट नहीं है उनके ऊपर आपको सर्कल करना है। मैंने सर्कल नहीं किया है क्योंकि फिर मेरा यहाँ पर नाम और वो सब मिक्सअप हो रहा था, इसलिए मैंने खाली उनके नेम से यहाँ पर राइट डाउन कर लिया है। ये इंग्लैंड की महारानी है, इसके ऊपर से पता चला कि ये इंग्लैंड की नोट है, ये तो हमारे इंडिया की नोट है, और ये USA की, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। देन ये भी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ये ओमान की है और ये हमारे इंडिया की है। यहाँ नोट्स को देख के हम लोगों ने पहचाना है। देन ये है चाइना की, ये है ओमान की, ये भी चाइना की है, इसके ऊपर वाली भी चाइना की है, ये इंग्लैंड की है और ये हमारे इंडिया की 10 rupees की नोट है, ये चाइना की। तो मैंने सब जगह उन कंट्रीज़ के नाम भी लिख दिया है कि वो कंट्रीज़ कौन सी है। और आपके इंडिया के अलावा भले आप इसमें सब में सर्कल कर दो, क्योंकि हमारे इंडिया के अलावा की जो भी नोट है उसको हमें सर्कल करने को बोला है, तो हम इसमें सर्कल करेंगे। ओके, यहाँ पर हमारा चैप्टर फिनिश होता है। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।